हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग वाला पर तो दोस्तों पहले दिन का आई बी पीओ का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है फोर्थ शिफ्ट में मैंने भी एग्जाम दिया था यहां पर हम लोग कंप्लीट एक, एक एनालिसिस देखेंगे फोर्थ शिफ्ट का पेपर क्या वाकई में टफ आता है तो पहले तो उन बच्चों को बता दें जो ये बोल देते ना कि सर आपने एग्जाम दिया तो हमारा क्या होगा तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दू मैंने केवल क्वांट सेक्शन को अटेम्प्ट किया है रीजनिंग और इंग्लिश नहीं किया है केवल और केवल मेरा उद्देश्य इस पेपर को देने का एनालिसिस के लिए था ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस दे पाऊँ कई बार स्टूडेंट्स से हम लोग एनालिसिस लेते हैं तो कुछ बच्चे बोल देते हैं पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था कुछ बच्चे बोल देते हैं ईजी था अब जिससे बन जाता था उसके लिए ईजी था जिससे नहीं बनता था उसके लिए डिफिकल्ट था तो एक प्रॉपर तरीके से आप लोगों को एनालिसिस मिल सके इसलिए मैंने आज का एग्जाम दिया था दोस्तों तीनों सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं सबसे पहला देखो अच्छी चीज़ क्या थी पेपर में जो मेरे को अच्छी लगी वो ये थी कि पहले उसने रीजनिंग सेक्शन दे दिया फिर आपका इंग्लिश फिर मतलब रीजनिंग में हम लोग बहुत तेज दिमाग चलाते दिला, दिमाग चलाते रहते हैं उसके बाद जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग में एक पजल आ गया था पजल डायरेक्शन बेस्ड था मतलब सेटिंग अरेंजमेंट का था और सिटिंग अरेंजमेंट में नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में टोटल 14 बैठे हुए थे उनको बैठाना था ठीक है इसके बाद एक एक और पज़ल पज़ल था वाला पजल था अनसर्टेन वाला इनइक्वेलिटी के सवाल थे पांच बहुत ईजी थे ये मतलब सवाल देखकर आंखों ही आंखों में बन रहे थे ऐसे सवाल थे इसके बाद बात की जाए सिलो के फाइव क्वेश्चन थे इसके बाद एक और पजल था पजल जो था नेक्स्ट वाला जो था वो मंथ एंड पजल था मंथ एज बेस्ड पजल था ठीक है इसके अलावा मिसलिनियस क्वेश्चन थे ठीक है और कोई सा सवाल था सिलोई इनक्विलिटी हो गया मिसलिन डायरेक्शन और डिस्टेंस के चार सवाल थे डायरेक्शन और डिस्टेंस के डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ये चार क्वेश्चन थे ठीक है और मिसलिनियस रिमेनिंग जितने सवाल थे वो मिसलिनियस के पूछे गए थे तो ओवरऑल रीजनिंग की बात करें रीजनिंग में मैंने एक भी सवाल अटेम्प्ट नहीं किया रीजन <laughs> ये कि लास्ट टाइम मैंने रीजनिंग में ना आया आर क्लग में सवाल बना दिए थे कुछ देखने के लिए कि बनते नहीं बनते तो वो एग्जाम प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया तो दैट्स वाई मैंने आज एक भी रीजनिंग का सवाल नहीं बनाया था ठीक है तो सिटिंग अरेंजमेंट के पांच सवाल थे पजल में अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन के पांच क्वेश्चन थे इनइक्विलिटी के फाइव क्वेश्चन के पांच सवाल थे बात की जाए तो इंग्लिश का जो पेपर इजी लाइक फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया था उन्होंने बताया था इंग्लिश थोड़ा डिफिकल्ट था बट फोर्थ शिफ्ट में इंग्लिश का पेपर इजी था रीजनिंग का लेवल में कोई भी मतलब इतना ज्यादा डिफिकल्ट टफ या इजी नहीं बोल सकते जिसका पहले शिफ्ट में था सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट फोर्थ शिफ्ट में था तो सर यहाँ पर जो इंग्लिश वाला सेक्शन था वो बहुत इजी था स्टार्टिंग में यहां पर जो सवाल दिए गए थे वो थे रिप्लेसमेंट के सवाल वर्ड रिप्लेस करना था इसके पांच सवाल दिए थे उसके बाद फिलर के पांच सवाल दिए थे बहुत इजी मतलब एकदम देखकर पता चल रहा था क्या हो सकता है क्वेश्चन ठीक है इंग्लिश में मैंने पंद्रह क्वेश्चन कर लिया ठीक है ये इसलिए कर दी मैं देखना चाहता था कि इंग्लिश में मैं पंद्रह सवाल करता हूं तो कितना स्कोर बन सकता था क्योंकि बहुत इजी लग रहे थे मैंने उन सवालों को किया फिफ्टीन क्वेश्चन इंग्लिश में किए रीजनिंग में मैंने एक भी सवाल नहीं किया रीजनिंग में जीरो स्कोर है ठीक है यहां पर टोटल मैंने फिफ्टीन क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं चलिए फिलर की बात करते रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी थे फिलर आपका ईजी था इसके बाद थर्ड नंबर पर पैसेज आया था पैसेज के टोटल आठ सवाल थे पैसेज क्वेश्चन थे, ठीक है पैसेज के बाद जो आया था वो आया था वॉकेब लरी पर बेस्ड, मतलब वॉकेअ में आपको वर्ड दे दिए थे और वर्ड पर बेस्ड तीन सेंटेंस बना के दिए थे और कौन सा सेंटेंस सही होता है इस वर्ड से अगर ये सेंटेंस बनाते हो तो ठीक है मतलब वॉकेब का एक वर्ड दे दिया उससे आपको तीन सेंटेंस बना के दे दिया और बोला था कौन सा सेंटेंस करेक्ट है यह आपको आइडेंटिफाई करना है तो वॉके दो सवाल पूछे गए थे दो क्वेश्चन थे उसके बाद एरर बेस्ड चार क्वेश्चन थे एरर डिटेक्शन के चार क्वेश्चन थे और जंबल जंबल के के छह छह सवाल थे जंबल के थे क्वेश्चन मतलब यहां पर देखा जाए तो जंबल इजी था ठीक है इसके बाद वॉकेब बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो भी इजी थे अब फिलर इजी था रिप्लेसमेंट इजी था मैंने पैसेज को नहीं देखा एरर डिटेक्शन को भी नहीं देखा बस ये सवाल देखे थे और इसके फिफ्टीन क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं अब बात करते हैं बेटा क्वांट की तो देखो यहां पर आप लोग देखेंगे तो सर अगर इंग्लिश पेपर थोड़ा सा ईजी है तो क्वांट डेफिनेटली आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव था मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्वांट डुएबल था बहुत आसान था अगर मैं क्वांट का टीचर हूं तो मैं आपको ये बोल दू कि नहीं क्वांट तो बहुत मजेदार था बहुत इजी था बिल्कुल भी नहीं 20 मिनट में आपको अगर पेपर को कंप्लीट करना है तो टाइम लग रहा था अब टाइम क्यों लग रहा था

टाइम एंड वर्क के बाद पार्टनरशिप आया था पार्टनरशिप के दो सवाल आए थे बेटा पेपर में पार्टनरशिप के दो क्वेश्चन थे और दो क्वेश्चन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के भी अर्थमेटिक में आए थे दो सवाल मतलब चार क्वेश्चन तो पार्टनरशिप और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से आए थे कुछ बच्चे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को छोड़ देते ध्यान से देख लो दो सवाल आपके आ गए अर्थमेटिक में पार्टनरशिप के दो क्वेश्चन आ गए थे ठीक है इसके बाद क्या हुआ सर डी आ गया मतलब जैसे पेपर में आया था वैसा सिक्वेंस में आपको बता रहा हूं ये तीन सवाल दे दिए नहीं तीन सवाल के बाद कंपेरिजन ऑफ क्वान्टिटी आया था कंपेरिजन ऑफ क्वान्टिटी के पांच क्वेश्चन थे कंपेरिजन ऑफ क्वांटिटी के क्वेश्चन थोड़े से लिटिल बिट कैलकुलेटिव थे ठीक है कंपेरिजन ऑफ क्वान्टिटी के बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखने को मिला था ग्राफ आया था ठीक है फाइव क्वेश्चन डी आई में लाइन ग्राफ देखने को मिला था डी आई ग्राफ ये बहुत ईजी था मतलब लाइन ग्राफ में ना डाटा दे रखे थे दो स्टूडेंट्स का और वहां पर लाइन ग्राफ देखना था डाटा देखना था और क्वेश्चन करने थे हालांकि पांच में से तीन सवाल तो बहुत ही ज्यादा इजी थे और दो क्वेश्चन में थोड़ा सा रीड करने में टाइम लग रहा था इसके बाद नेक्स्ट बात की जाए तो पांच क्वेश्चन टेबलेट आया था अब टेबलेट यही मॉर्निंग सिफ्ट में जैसा था वैसा ही था मतलब इनडायरेक्ट डाटा दे रखा था टेबल दे रखा था उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन का डाटा दिया था परसेंटेज में और नंबर्स में वैल्यू दे रखी थी और उस पर बेस्ट सवाल पूछा था मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था टेबुलर बेस्ट डी ही नहीं लगाया था इसको

जैसे हम लोग जब एनालिसिस करते बच्चों से तो पूछते बताओ अप्रॉक्सिमेशन कितना है वो बताते हैं जैसे पांच क्वेश्चन थे बट पांच नहीं चार ही क्वेश्चन थे ठीक है तो ये आ गया फिर लास्ट में वापस से अर्थमेटिक की बोछार शुरू हो गई थी ठेके? अर्थमेटिक का वेटेज ज्यादा था जिसका अर्थमेटिक स्ट्रॉग है उसके लिए पेपर बहुत अच्छा था ठीक है जैसे आप लोग देखेंगे फर्स्ट सेकंड, थर्ड शिफ्ट में हम लोगों ने देखा कि डीआई में था डीआई के साथ कैसलेट भी था बट यहां पर कैसलेट नहीं था कैसलेट की प्लेस पर कंपेरिजन ऑफ क्वांटिटी था कंपेरिजन ऑफ क्वांटिटी के पांच क्वेश्चन थे और पूरा का पूरा बेस था आपके अर्थमेटिक के ऊपर तो हम बोल सकते हैं कि सर फोर्थ शिफ्ट में अर्थमेटिक का जो वेटेज था वो फिफ्टीन मार्क्स का हो गया है पांच कंपेरिजन ऑफ क्वांटिटी दस आपके अर्थमेटिक डीआई की बात की जाए तो यार देखो हमेशा मैंने आपको एक बात बोली है कि डीआई में एक इजी और एक मॉडरेट लेवल का डी होता है आपका काम है इजी लेवल को सिलेक्ट करना और मैंने ऐसा ही किया और लाइन ग्राफ वाला जो डी आई था ईजी वो बना दिया था टेबुलर वाले डीआई को रहने दिया था ठीक है चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ टोटल मैंने कितना अटेम्प्ट किया है ना क्वांट का अटेम्प्ट इंग्लिश का मैंने बता दिया था हाँ रीजनिंग का भी बता दिया क्वांट का मेरा टोटल जो अटेम्प्ट हुआ है वो ट्वेंटी फोर क्वेश्चन हुआ है चौबीस हुआ अब आप बोलेंगे सर आप तो टीचर हो आपके अटेम्प्ट इतने कम क्यों हुए मैं बेटा वही बात आपको बता रहा हूँ पेपर इतना ईजी नहीं होता है और अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं रेगुलर रहते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस करते तो ही आपकी एग्जामिनेशन में स्पीड बनती है जैसे एग्जामिनेशन में अर्थमेटिक करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी नंबर सीरीज करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी बट डी में डी में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि डीआई की ना खुद से सेल्फ प्रैक्टिस मेरी बहुत ज़्यादा नहीं थी यहाँ टाइम लग रहा है मतलब कहने का ये बेटा जिस चीज़ की आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हो करते रहते हो करते रहते हो वहां पर आपको टाइम नहीं लगेगा जहां पर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो वहां पर ऑफकोर्स आपको टाइम लगने वाला है

और यहां पर कम्पेरिजन ऑफ क्वांटिटी के मेरे तीन सवाल कंप्लीट हुए थे तीन कंपेरिजन ऑफ क्वान्टिटी थे लाइन ग्राफ के पांच क्वेश्चन हो गए थे तो पांच तीन आठ आठ और चार बारह बारह चार अठारह अठारह और सात पच्चीस तक सवाल चौबीस या पच्चीस आइटम टोटल हुए थे तो ये था पेपर ठीक है अर्थमेटिक के पहले मैं सवाल करा देता हूं आप में से कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि सर पेपर में क्या सवाल इतना इजी होता है इतना डिफिकल्ट होता है ठीक है बट मैं आपको एक बात बता ये ओपनली बोलता हूं कि मॉक मास्टर में हमने जितने लेवल के सवाल देखे एग्जामिनेशन का लेवल अर्थमेटिक का मेरे को उससे तो ईजी लगा था हम लोग जो डेली मॉक मास्टर करते हैं उससे इजी लेवल अर्थमेटिक का था बट दिक्कत तब हो जाती है जैसे आपने जिस टाइप का सवाल प्रैक्टिस किया है वैसा सवाल है तो बहुत ईजी है बट अगर

तो मैंने स्टार्ट किया टाइम एंड वर्क से टाइम एंड वर्क का पहला सवाल करने में कब एक मिनट दस सेकंड निकल गया पता ही नहीं चला है ना एक मिनट दस सेकंड जबकि सवाल बहुत था देखो क्या सवाल था सवाल कुछ ऐसा था का एक ना तीन पर्सन थे एस एम और आर से उनका नाम स्टार्ट हो रहा था एस एम और आर से ये तीनों काम को किसी काम को कंप्लीट करने में सोलह दिन लेते हैं और एस अकेला इस काम को कंप्लीट करने में तीस दिन का टाइम ले रहा था आगे क्या हुआ सर आगे इन्होंने बोला था सवाल में कि एम और आर ने को मतलब एम का जो टाइम है वो आर के टाइम के रेशियो में दे रखा था तीन और चार का ठीक है एम अगर अकेला काम करता है तो उसको थ्री फोर्थ टाइम लगता है एस कंपेयर टू आर अलोन कम्पलीट दर्क ये स्टेटमेंट दिया था तो मैंने रेशियो लिख दिया था अब ये रेशियो टाइम का आ गया था तो केवल इसको एफिशिएंसी के रेशियो में कन्वर्ट कर दिया सवाल खत्म हो गया कैसे यहां पर हम लोगों को एलसीएम लेना था सोलह और तीस का एलसीएम दो सौ चालीस हो जाएगा 16 से कैंसिल करेंगे 15 हो जाएगा और 30 से कैंसिल करेंगे 8 हो जाएगा एस का एफिशिएंसी 8 का है मतलब इन दोनों का एफिशिएंसी 7 का होगा और 7 को चार और तीन के रेशियो में ब्रेक करेंगे तो एम का एफिशिएंसी 4 का था, इसका तीन का था अब सवाल में पूछा गया था कि एम को अकेले काम करने में और आर को अकेले काम करने में कितने का डिफरेंस होगा एम अगर अकेला इस काम को पूरा करेगा दो यूनिट काम चार की एफिशियंसी करेगा तो 60 दिन लगेंगे और 240 यूनिट काम आर अपनी एफिशिएंसी से करेगा तो ये 80 दिन लग रहे हो, और 80 और 60 का डिफरेंस 20 दिन आया 20 डेज इस सवाल का आंसर था ठीक है तो पहला सवाल तो ये था सर जिसका आंसर क्या आ गया था 20 डेज जो टाइम एंड वर्क से आया था टाइम एंड वर्क का ये सवाल था अगला जो सवाल था वो पार्टनरशिप का था पार्टनरशिप सॉरी सिंपल इंटरेस्ट का था सिंपल इंटरेस्ट का एकदम सिंपल सा सवाल था ये सवाल को मैंने देखा और मैंने इसको स्किप कर दिया मैंने सोचा लास्ट में करेंगे है ना मेरे को ये लगा था कि यार वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मैंने स्किप कर दिया बट जब लास्ट में मैंने वापस से इस सवाल को देखा तो आराम से तीस सेकेंड के अंदर बन गया था क्या था सवाल देखो पी पैसा एक आदमी ने इन्वेस्ट किया स्कीम ए पर कितने परसेंट पे सर ये पंद्रह परसेंट पर एन एम का रेट था कितने टाइम के लिए छः साल के लिए किया था और इसका जो इंटरेस्ट है वो पी से इसका जो इंटरेस्ट आया वो पी से सात सौ बीस कम था इंटरेस्ट जो बना वो पी से सात सौ बीस कम बना अब इसने बोला कि पैसा इन्वेस्ट कर दो सेम रेट इन्वेस्ट से, ओके, ओके, हाँ, 10%, 10 से किया जाएगा तो आपको बताना था इंटरेस्ट क्या होगा एग्जैक्ट यही सवाल था ठीक है तो यहां पर देखो बेटा क्या करना था बहुत ज्यादा सिंपल सवाल था पंद्रह से नब्बे परसेंट का इंटरेस्ट बनेगा इंटरेस्ट नाइन्टी परसेंट होगा और प्रिंसिपल हम लोग हंड्रेड परसेंट एज्यूम करते हैं तो हंड्रेड और नाइन्टी का डिफरेंस टेन परसेंट टेन परसेंट का वैल्यू सेवन ट्वेंटी दस परसेंट का वैल्यू सात सौ बीस हो गया तो यहाँ से हंड्रेड परसेंट का वैल्यू निकालेंगे सेवन टू डबल जीरो हो जाएगा और सेवन टू डबल जीरो का डबल कितना हो जाएगा वन डबल फोर डबल जीरो इसको टेन परसेंट से फिफ्टीन या मतलब वन फिफ्टी परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा वन फिफ्टी मतलब थ्री बाय टू टू से कैंसिल करना था सेवन सेवन टू में थ्री का मल्टीप्लाई कर दिया टू वन सिक्स 00. अब मैंने यहाँ पर टू वन सिक्स जैसे देखा ऑप्शन में देखा टिक कर दिया नंबर ऑफ जीरो को काउंट ही नहीं किया ठीक है उसकी जरूरत भी नहीं थी अगला सवाल नेक्स्ट बात कर लेते हैं ये दो सवाल हुए थे इसके बाद कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी मिक्स कर दिया था ठीक है कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी के आ, बाद में बात करेंगे पहले एक और सवाल देखते हैं मिक्स एलिगेशन का एक सवाल बहुत सुंदर था और ये सवाल कई बार क्लास में हुआ है सेम डिक्टो सवाल कई बार हुआ है जो बच्चे रेगुलर है वो बता सकते हैं कि हुआ है नहीं हुआ है मिक्सर एलिगेशन में आपको बोला है कि एक कंटेनर इसमें 120 लीटर 120 लीटर क्वांटिटी गिवन है इसमें बोला गया था मिल्क जो है वाटर का 75 परसेंट था 75 को लिख देंगे तीन और एक मतलब मिल्क जो है 75 परसेंट था वाटर जो है 25 परसेंट था ये आपको बाय डिफॉल्ट समझ जाता ठीक है और जिन्होंने एग्जाम दिया वो भी बता देंगे क्या एग्जैक्ट ये सवाल एग्जाम में था ये रेशियो आपको तीन और एक का दे रखा था एक लीटर था इसमें से आप बीस लीटर मिक्सचर को पी जाओ निकाल दो बीस लीटर निकाला तो रेशियो तीन और एक का ही रहेगा और इसके बाद इसमें एक्स लीटर पानी मिला देंगे एक्स लीटर पानी मिलाने के बाद मिल्क जो है वो टू पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ वाटर हो जाता है टू पॉइंट मतलब मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो पांच और दो का बन गया था तो बेटा यहां पर सिंपल सा था कि अगर आप वॉटर एड करे तो मिल्क को सेम कर दिया पांच दिया पंद्रह पांच एक पांच पंद्रह छ मतलब एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा अगर आप बोलेंगे सर बीस यूनिट का वैल्यू एक सौ बीस में से बीस गया तो सौ लीटर हो जाता है बीस यूनिट का वैल्यू हंड्रेड लीटर होता है तो एक यूनिट का वैल्यू पांच लीटर होता है मतलब सर इस सवाल का आंसर कितना आ गया था एक्स का वैल्यू फाइव लीटर आ गया था पांच लीटर पानी हम लोगों ने मिलाया था ठीक पांच दिया पंद्रह पांच बीस बीस का वैल्यू सौ आपने कितना मिलाया था एक यूनिट एक यूनिट का वैल्यू पांच लीटर पानी यहाँ पर मिलाया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप का है पार्टनरशिप का एक सवाल मैंने स्किप किया था एक ही सवाल बनाया था पार्टनरशिप ठीक पार्टनरशिप का जो सवाल था इसमें दो पर्सन थे एक का नाम अमन था एक का नाम राकेश था अमन ने पैसा लगाया था वो पंद्रह सौ रुपये लगाया था और राकेश ने जो पैसा लगाया था वो दो हजार रुपये लगाया था अमन ने जो पैसा लगाया वो एक्स प्लस थ्री मंथ के लिए लगाया और राकेश ने पूरे एक साल के लिए बिजनेस चलाया था और इसमें इनके प्रॉफिट का रेशियो गिवन था यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू बताना था सिंपल सवाल था यार तीन चार ठीक है आ, तीन चौक बारह और दो से दो बार चार दुना, हो जाएगा ठीक है यही था ना पंद्रह सो एक्स प्लस थ्री ठीक है सर यही दे रखा था ठीक तो एक्स का वैल्यू फाइव इस सवाल का आंसर आ गया था वैल्यू ऑफ एक्स कितना आ गया था फाइव आ गया था फाइव एकदम करेक्ट इस सवाल का आंसर हो गया था ठीक है इसके बाद बात करें तो बेटा के सवाल कंपेरिजन ऑफ क्वांटिटी में जो सवाल पूछे गए थे कंपेरिजन ऑफ क्वांटिटी में जो सवाल पूछे गए थे का सवाल था प्रॉब्लम ऑन एजिस का सवाल दिया हुआ था ठीक है एक परसेंटेज बेस्ड सवाल था परसेंटेज मतलब ए और बी का डाटा गिवन था इस पर बेस्ड क्वेश्चन था और एक और जो सवाल था मैंसुरेशन हो गया है एजिस हो गया है इसमें है ना एक और जो सवाल था वो कौन सा था कौन सा था कौन सा था कौन सा था स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल था स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का था और एक और सवाल जो कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी का था थोड़ा सा याद करते याद आता तो याद आता है तो मैं आपको बताता हूँ ठीक है इसके बाद बेटा अगर बात की जाए तो नंबर सीरीज़ के कौन कौन से सवाल थे आज देख लेते हैं नंबर सीरीज का पैटर्न मेरे को ईजी लगा था ठीक है हालांकि इतना ईजी था नहीं बट वहाँ पर हम पहली बार में जो लॉजिक लगाते हैं वो काम कर जाता तो क्वेश्चन बन जाता है जैसे पहला सवाल जो था नंबर सीरीज का एट ट्वेंटी वन फिफ्टी नाइन वन सेवेंटी टू क्वेश्चन मार्क एंड द नेक्स्ट टर्म इज वन फाइव टू थ्री दे रखा था यहां पर आपको मिसिंग टर्म निकालना था ठीक है तो यहां पर पहला डिफरेंस देखो सीरीज देखकर पता चलता है कि डिफरेंस निकल रहा है पहला डिफरेंस निकाला आपको मिल गया तेरह दूसरा डिफरेंस निकाला 38 तीसरा डिफरेंस निकाला 113 आ गया था और यहाँ पर डिफरेंस निकाला था इसके बाद जब डबल डिफरेंस मैंने निकाला तो आठ में तीन गया पाँच पच्चीस मिला था यहाँ पर डिफरेंस निकाला था तो यहाँ पर डिफरेंस 75 फाइव दिखा तो 25 का तीन गुना दिखा तो मैंने 75 का तीन गुना कर दिया 225 225 में 113 को ऐड किया तो ये 338 और 338 में 172 को जैसे ही ऐड किया मेरे ऑप्शन में मेरा आंसर मिल गया था तो मैंने टिक कर दिया ठीक है आठ दो दस और तीन सात तीन दस ग्यारह का एक तीन चार पांच पांच सौ दस ऑप्शन में था टिक कर दिया तो यहां पर ये डबल डिफरेंस लगाया और डबल डिफरेंस में पैटर्न मिल गया पहला सवाल था हालांकि ये सवाल है ना बहुत जल्दी बन गया है बट कई बार ऐसा होता है कि यही टाइप का सवाल सर करने में बहुत टाइम लग जाता है बट वहां पर बहुत जल्दी बन गया था सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड हम लोग देखते हैं अगला नंबर सीरीज का सवाल क्या था नेक्स्ट uh, क्वेश्चन जो था टू थर्टी फोर टू ट्वेंटी फाइव एक्जेक्ट क्वेश्चन था यह ना टू ट्वेंटी फाइव 209 नेक्स्ट टर्म इज 184, 148 एंड क्वेश्चन मार्क ये था तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते बेटा तो 234, 225 का डिफरेंस किया कितना आ गया 9 का डिफरेंस आ गया 16 का डिफरेंस आ गया 16 और 9 25 का डिफरेंस आ गया 8 में से 4 गया 4 सॉरी uh, चौदह में से आठ गया छः, थर्टी सिक्स का डिफरेंस आ गया तो ये स्क्वायर बेस पैटर्न था तीन चार पाँच छः, सात का स्क्वायर फोर्टी नाइन बस ऐड करना था और नौ और आठ सत्रह का था चौदह चार अठारह और उन्नीस वन नाइन्टी सेवन इस सवाल का सही आंसर हो गया था थर्ड क्वेश्चन की बेटा बात कर लेते तीसरा जो सवाल था वो कैसा था थर्ड क्वेश्चन था फोर फाइव थर्टीन फोर फाइव थर्टीन एंड फोर्टी वन जीरो फोर क्वेश्चन मार्क पहली नजर में देखा तो ये लगा कि इसमें मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न चल रहा होगा मैंने मल्टीप्लीकेशन से ट्राई किया था इंटू वन प्लस वन इंटू टू प्लस थ्री बट उससे काम नहीं हुआ फिर इसके बाद जब डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस निकालते से आंसर मिल गया था एक आठ सत्तावीस चौसठ एक सौ पच्चीस का डिफरेंस होता है पाँच चार नौ बारह दस बाईस और तेईस टू थर्टी नाइन इस सवाल का सही आंसर बन गया है ठीक है पाँच चार नौ और बारह दस पाँच चार नौ बारह और दस बाईस दो सौ उनतीस सॉरी 229 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तीन सवाल हो गए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला सवाल क्या था एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर फोर जो था सिक्वेंस भी यही था क्वेश्चन का ठीक अगला तो जो था बहुत सिंपल क्वेश्चन था बस इनिशियल में नंबर मिसिंग था 40, 59, ठीक है एंड एंड ये चालीस और उनसाठ को देखकर ही पैटर्न समझ में आ गया था कि उन्नीस का डिफरेंस है अगला डिफरेंस देखा तेवीस का हो गया अगला डिफरेंस देखा अगला डिफरेंस मैंने निकाला था क्योंकि उन्नीस के बाद तेईस मतलब पैटर्न चार का भी हो सकता था तो नेक्स्ट डिफरेंस जैसे ही निकाला अठारह और ग्यारह ट्वेंटी नाइन मिल गया तो तेवीस उन्तीस और उन्नीस को देखकर समझ में आ गया प्राइम नंबर सीरीज है तो यहाँ पर यहाँ पर प्राइम नंबर उन्नीस के पहले प्राइम नंबर सत्रह और उसके पहले तेरह दस में तेरह एट के ट्वेंटी थ्री ये आपका क्वेश्चन बन गया जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बना था वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर होगा मे भी हो सकता है उसका आंसर या पैटर्न बहुत ईजी हो बट मेरे से वहां पर नहीं बना था ठीक है मैंने घर पे भी आकर टाइम ही नहीं मिला इसको देखने का कि इसका आंसर क्या होगा एक्चुअली क्या हुआ था एग्जाम के बाद जैसे ही मैं एग्जाम सेंटर से निकला था इतना तेज इतना तेज बारिश हो रहा था पूरा भीग चुका था मैं है ना भीगने के बाद स्टूडियो पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगा और आते से बस मैंने एनालिसिस से स्टार्ट कर दिया तो देट्स वाई क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं उसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बता देना क्या होगा इसका आंसर एट नेक्स्ट जो था दो एक सौ आठ दिखने में सबसे इजी लग रहा था मेरे को ये वन क्वेश्चन मार्क एंड वन जीरो पहली नजर में जब एक सौ आठ दो सौ सोलह को देखा तो मेरे को लगा सवाल बहुत ईजी होगा फिर जैसे ही मैंने ये वाला देखा वन जीरो तो ऐसा सेम सवाल आज रॉन्ग नंबर सीरीज का पहले सिफ्ट में आया था जिसमें सीरीज इंटीजर में था लास्ट में डेसिमल टर्म था उसका भी मैंने शॉर्ट बना के आपको दिया था मेरे को लगा शायद वही पैटर्न रिपीट कर दिया है बट ऐसा नहीं था इसका मैंने डिफरेंस निकाल के देखा मेरे को पैटर्न समझ में नहीं आया इसको स्किप कर दिया तो आप लोगों को बताना है एक बार डिजिट चेक कर लेते हैं एग्जेक्ट सही डिजिट लिखा है मैंने एट सिक्सटी फोर टू हंड्रेड सिक्सटी वन जीरो एट एटी वन क्वेश्चन मार्क वन हंड्रेड वन पॉइंट टू फाइव इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना रहेगा ठीक है सारे बच्चे बताएंगे क्या इसका आंसर हो सकता है तो ये पांच सवाल नंबर सीरीज के थे जो कि ड्यूएबल थे अब देखिए अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं अप्रोसीमेशन बहुत ज़्यादा ईजी था बहुत ज़्यादा ईजी था मतलब आपका अगर कैलकुलेशन है तो अप्रोक्सिमेशन के सवाल आप बहुत अच्छे से तेजी से बना सकते हैं अप्रोक्सिमेशन के सवाल देखे क्या देखो एक सवाल था अप्रोक्सीमेशन वैल्यू थे मैं लिख रहा हूं ना, 125 5 minus, आपका था फोर्टी परसेंट मतलब उसको लिख दिया था टू बाई फाइव ऑफ एक्स प्लस थ्री फोर्टी थ्री इज इक्वल टू एट सिक्सटी एट तो आप में से अगर किसी ने भी फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम दिया और चाहते इसका आंसर क्या रहा होगा तो छे सौ पच्चीस में यहाँ पर इस दोनों को ऐड किया छ तीन नौ नौ सौ अड़सठ में आठ सौ अड़सठ गया सौ पांच का मल्टीप्लाई किया पांच सौ को दो से डिवाइड किया एक्स का वैल्यू दो सौ पचास दो सौ पचास इस सवाल का आंसर था ठीक है इस सवाल का सही आंसर आ गया था अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था माइनस एट प्लस ट्वेल्व बाई थ्री टू थर्टीन इन एक्स अब क्या होता है ना बेटा जब एनालिसिस हम लोग बच्चों से लेकर ही पेपर कराते हैं और बोलते कि ये सवाल आया था तो आप लोग मानते ही नहीं अरे सर इतना ईजी कैसे आ जाता है वो आई बी पी एस पी ओ में तो आया है बेटा अप्रो क्योंकि क्या है ना थर्टी फाइव में से हमेशा पेपर में कुछ सवाल ईजी होते हैं और इजी वाला पार्ट जो होता है क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज अप्रोक्सीमेशन होता ही है और अप्रोक्सीमेशन सबसे ईजी होता है तो इतने इजी इजी सवाल आए थे छप्पन में से आठ गया कितना हो गया अड़तालीस अड़तालीस प्लस चार बावन तेरह को बावन को तेरह से डिवाइड करेंगे एक्स का वैल्यू चार दस सेकेंड का सवाल नहीं था ये ठीक है मतलब यहां पर वैल्यू ना फिफ्टी फाइव पॉइंट नाइन एट एट पॉइंट टू वन इस तरीके से वैल्यू दे रखी थी यहां पर आपको अप्रोक्सीमेट निकालना था अगले सवाल की बेटा अगर बात करें खतरनाक था क्योंकि इसने लिख दिया, 64 2 3, ऐसा लिखा था यह ब्रैकेट में डाल दिया था इसके बाद दे दिया इन टू फिफ्टी फाइव प्लस ट्वेंटी प्लस एक्स इन टू फोर्टी ये दे दिया था एंड यहां पर हम लोगों को वैल्यू कैलकुलेट करना एट की पावर फोर की पावर थ्री होता है थ्री से थ्री चला गया टू दी पावर कितना हो सिक्सटीन इंटू पांच सात अस्सी हो गया था और ये चालीस इंटू सोलह प्लस एक्स यहाँ पर आप एग्जैक्ट आंसर निकालने गए अगर इसका सोलह दो न बत्तीस बत्तीस में से सोलह गया सोलह इस सवाल का आंसर था अप्रोक्सीमेशन के सवाल का आंसर सिक्सटीन आ गया था नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की अगर बात की जाए तो अगला जो सवाल था वो था एटी फोर डिवाइड बाय फोर्टीन प्लस टू डिवाइड बाय फिफ्टीन इंटू सेवेंटी फाइव प्लस थ्री इंटू सिक्स इसका आंसर निकालना था ठीक है तो इस सवाल को मैंने निकाला सात हो गया और ये पंद्रह डिवाइड में था पंद्रह से ये मल्टीप्लाई पंद्रह से कैंसिल किया पाँच हो जाएगा पाँच दोना दस बन गया और ये आपका अड़तालीस बन गया था छः इंटू तीन इंटू छ था सॉरी ये थ्री इंटू सिक्स था थ्री इंटू सिक्स एग्जैक्ट ही बताते ना आपको तो छिया अठारह था ठीक है अठारह सात पच्चीस और दस इसका आंसर थर्टी फाइव मेरा आ रहा था बट थर्टी फाइव ऑप्शन में नहीं था तो थर्टी फोर था थर्टी फोर को मैंने अप्रोक्सीमेट में टिक कर दिया था थर्टी फाइव ऑप्शन में नहीं आ रहा था आंसर थर्टी फाइव था थर्टी फोर था तो थर्टी फोर टिक कर दिया इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन के ये चार सवाल पूछे गए थे ठीक है तो बेटा ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो जो बातें करते हैं फोर्थ शिफ्ट में पेपर क्या डिफिकल्ट होता है देखो डिफिकल्ट का तो नहीं पता बट चेंज होता है है ना पैटर्न में वेरिएशन आता है इतना ज्यादा मतलब फर्स्ट शिफ्ट डिफिकल्ट था बट हाँ लेंदी, हो लेंदी होने का रीजन अर्थमेटिक और कंपेरिजन ऑफ क्वांटिटी मतलब ये मान के चलिए पंद्रह सवाल तो डेफिनेटली आपका टाइम लेने ही वाले अगर आप एक सवाल करोगे तो एक मिनट का टाइम जाता है तो पंद्रह सवाल आप पूरे कर ही नहीं सकते हो तो आप अगर करने जाते हो तो सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन देखिए कल जिनका भी एग्जाम है ना उनको बता दे पेपर के पैटर्न को इस तरीके से बनाना आपका अटेम्प्ट ज्यादा होगा सबसे पहले आप है ना माउस पहले चेक कर लेना सही चलना चाहिए ना माउस ढीला नहीं चलना चाहिए ताकि आप फटाफट आगे बढ़ सके तो माउस चेक कर लेंगे पहले एग्जाम स्टार्ट होने से पहले और जब आप कौन सेक्शन करते हैं ना तो पहले आप क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज या फिर अप्रोक्सिमेशन होता है बेटा तो पहले उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना वो अगर बन जाता है उसके बाद आप अर्थमेटिक को देख सकते हैं या फिर डी को देख सकते हैं डी में एक ईजी डी होता है अगर आपके डी आई पे कमांड अच्छी है तो डी को कर लेंगे और उसके बाद लास्ट में जो भी मिसलेनियस जैसे कल हो सकता है डाटा सफिशियंसी भी आ जाए है ना कंपेरिजन ऑफ क्वांटिटी भी आ जाए मे भी हो सकता है कैसलेट भी रहे तो वो आप लोग लास्ट के लिए रख देंगे देखिए आप बिल्कुल भी टारगेट यह मत रखना मैं बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करूंगा रिलैक्स रहकर जितना अच्छे से पेपर आप देंगे ना उतने ज्यादा अटेम्प्ट हो सकते हैं आप लोगों के तो कोई गड़बड़ी मत करना ज्यादा तेजी के चक्कर में एंड सेकेंड चीज बेटा आगे जितने भी बच्चे एग्जामिनेशन देने वाले हैं ना वो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि पेपर में कभी भी ना फुल आउट ऑफ फुल कर ही नहीं सकते हो अगर आप ये सोच मतलब आरबी आर क्लर्क में ऑब्वियसली कर सकते हैं जहां पेपर बहुत इजी होता है मैं लेवल की बात कर रहा हूं। नहीं हो सकता बेटा फुल आउट फुल आउट ऑफ ठीक है क्योंकि सवाल लेवल कुछ होते हैं जो अप होते हैं जिसकी वजह से आपको टाइम लग सकता है और टाइम अगर लग गया और उस सवाल को आपने पिक कर लिया तो आपके जो अटेम्प्ट ज्यादा हो सकते हैं वो भी कम हो जाता है ध्यान तो रखेंगे एंड यस डेफिनेटली पेपर लेंदी था फोर्थ का थोड़ा लेंदी तो था ठीक है तो मैं भी हो सकता है कि कुछ बच्चों के अटेम्प्ट कम रहे होंगे ठीक मेरे हिसाब से जिसने भी अगर एटीन प्लस अटेम्प्ट किया है तो ये बहुत अच्छा अटेम्प है यार देखो दस क्वेश्चन तो आपके नंबर सीरीज था पांच और चार नौ नंबर हो गए ठीक है नौ नंबर के साथ एक पांच नंबर का डी जो लाइन ग्राफ वाला था वो ईजी था और डी में पांचों सवाल ईजी नहीं थे बट चार तो ईजी थे ठीक है तो ये कितना हो गया नौ और चार तेरह नंबर अब तेरह में से ये मान के चलते है कि सर एक बनाना ही हमसे बारह क्वेश्चन कर लिए अब बारह करने के बाद आपको अर्थमेटिक में छः सात सवाल तो बनाने चाहिए अगर आपने अच्छे से तैयारी की छह सात सवाल बन जाते हैं तो एटीन प्लस अगर आपका स्कोर क्वांट में जाता है बाकी रीजनिंग और इंग्लिश में अच्छे से अटेम्प्ट करते हो तो ये अच्छा स्कोर मेरे हिसाब से फोर्थ शिफ्ट के पेपर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये अच्छा स्कोर हो सकता है ठीक है तो ये कंप्लीट हम लोगों का एनालिसिस था आई होप सो कि जिनका भी एग्जाम होने वाला है या उन बच्चों को जो नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को ये सेशन से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा समझ में आएगा पेपर एक्चुअल में क्या लेवल का रहता है ठीक है कई बार हम लोग कन्फ्यूज में रहते हैं कि ऐसा एक्चुअल में लेवल था इतना इजी था तो मैंने एक्ट क्वेश्चन को कराया तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने फोर्थ शिफ्ट में एग्जाम दिया आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या यही सवाल थे सवाल के साथ आंसर भी आप लोग देख सकते हैं ठीक है चलिए तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं सेशन अच्छा लगा है सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे बाकी हम लोग फिर मिलते हैं अपने रेगुलर सेशन में आठ बजे की क्लास मॉक मास्टर में मॉक मास्टर को कंटिन्यूस चलने देंगे मॉक मास्टर अगर आप लोगों ने लगाया है बेटा जितने बच्चे मॉक मास्टर लगाए होंगे और जो पेपर देख रहे वो डेफिनेटली बता सकते हैं कि सर मॉक मास्टर से कितना फायदा हुआ है ठीक है और मॉक मास्टर एक चीज रहती है कि हम लोग हमेशा वहां पर वेरिएशन लेकर सवाल आते हैं जैसे आप लोग एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं हाँ मॉक मास्टर में जो हम अर्थमेटिक के सवाल करते हैं उससे तो थोड़ा इजी था अर्थमेटिक सेक्शन उतना ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं मतलब हम लोग देखते ना कई बार मॉक मास्टर में या फिर हम लोग सवाल जब करते जब ट्विस्टेड क्वेश्चन घुमा दिया जाता है हम घूम जाते हैं गलती हो जाती है वैसे सवाल एग्जामिनेशन में इतने देखने को नहीं मिलते मतलब ट्विस्टेड क्वेश्चन बहुत कम होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये यह यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग खुद से सवाल करते हैं ना तो ये बैलेंस करना पड़ता है थोड़ा कौन सा वाला पार्ट ये वाला है जैसे टाइम एंड वर्क के सवाल को ठीक है अब यहाँ पर सवाल ऑलरेडी बैलेंस था मतलब एफिशिएंसी आप माइनस करो आठ में पंद्रह में से आठ गया बच्चा साथ सात और तीन और चार का रेशियो ही बन रहा था तो सब कुछ जमा जमा दिया जाता है बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है स्पीड तेज है तो आप सवालों को बना सकते हैं जितने भी बच्चों का अपकमिंग सिर्फ में एग्जामिनेशन होने वाला है सभी को ऑल द वेरी बेस्ट अच्छे से एग्जाम देना बाकी मिलते हैं अपने रेगुलर सेशन में थैंक यू सो मच बाय बाय ठीक क्या